सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDR ब्लॉग। आज मैं आया हूँ नेहरू डिग्री कॉलेज जो है बुढ़ार चौक में। तो आज मैं आपको नेहरू डिग्री कॉलेज की सच्चाई बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कॉलेज का लुक और उसके साथ सच्चाई भी। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। तो गाइज, आप देख सकते हो मैं हूँ अभी कॉलेज तिराहा के पास, खूबसूरत लोकेशन के साथ। जो एक रोड जाती है वो धनपुरी शहर और बुढ़ार शहर की ओर और एक खैराहा की ओर। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कॉलेज की तरफ। तो और आपको बताता हूँ मैं कॉलेज की सच्चाई। तो आप देख सकते हो कॉलेज के बाहर एक ठेला लगा हुआ है जो गुपचुप वाले भैया खड़े हैं। तो यहाँ से कॉलेज के बच्चे जो निकलते हैं गुपचुप खाते हैं, और कुछ इस तरह से सजावट की गई है कॉलेज की। तो आगे मैं आपको कॉलेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप अंत तक मेरी वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस, मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल जिला शहडोल के बुढ़ार नगर में स्थित जो ये नेहरू डिग्री की महाविद्यालय देख रहे हैं, उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1965 में नेहरू एजुकेशन सोसाइटी बुढ़ार द्वारा की गई थी। और महाविद्यालय को 7 अक्टूबर 1980 को शासन द्वारा शासनाधीन कर लिया गया था, तथा शासन द्वारा महाविद्यालय का नाम शासकीय नेहरू महाविद्यालय रखा गया। महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यार्पण काउंसलिंग द्वारा B++ का दर्जा प्रदान किया गया है। महाविद्यालय अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है तथा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से संबद्ध है। और दोस्तों, इस कॉलेज का संचालन मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाता है। इस कॉलेज में प्राध्यापकों तथा सहायक प्राध्यापकों के 20 पद स्वीकृत हैं, तथा इनके अलावा खेल अधिकारी व ग्रंथपाल भी कार्यरत हैं। महाविद्यालय या कॉलेज में एक सुसज्जित ग्रंथालय लाइब्रेरी है, तथा लाइब्रेरी में पर्याप्त पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में बुक बैंक योजना लागू है, जिसके तहत विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, इन सारी सुविधाओं के अलावा आप कॉलेज का वातावरण देख सकते हैं, बहुत ही खुशनुमा माहौल है, बहुत ही खूबसूरत है, और कुछ नए कंस्ट्रक्शन का कार्य भी हो रहा है। तो ये यहाँ पास मजदूर लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो कुछ बिल्डिंगें जो है वो बन रही है। और दोस्तों, मैं आपको इसके पीछे की वजह बता देता हूँ। मिशन ऑफ स्टेटमेंट संस्था का जो उद्देश्य है, कि जो संस्था का लक्ष्य है कि गुणात्मक शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित होकर समाज की निर्णायक एवं विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता हेतु विद्यार्थियों को सशक्त एवं संपूर्ण नागरिक बनाने में शिक्षा का सदुपयोग कर सके। ये संस्था का उद्देश्य है, जो कि समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु युवा पीढ़ी को गुणात्मक शिक्षा एवं शोध के अवसर प्रदान कर सके, एवं व्यावसायिक एवं उद्यमी समाज के परिदृश्य के अनुरूप आवश्यक सभी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी के कौशल को तलाश से एवं दक्षताएं प्रदान कर सके। तो दोस्तों, कॉलेज महाविद्यालय में समस्त खेलकूद की सुविधाएँ उपलब्ध है, और क्रीड़ा के क्षेत्र में यह महाविद्यालय सदैव अग्रणी रहा है, जिसके तहत इस महाविद्यालय के कई विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय राज्य अंतरराज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि ज्ञानपूर्ण और कल्याणकारी समाज के सतत उन्नयन के लिए शिक्षा के सदुपयोग में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। तो दोस्तों, ये थी
गवर्नमेंट नेहरू डिग्री कॉलेज की सच्चाई। अब आप देख सकते हो गाइस, मैं आ गया हूँ बैक साइड में जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और नया रूप दिया जा रहा है कॉलेज को। तो अब मैं आपको बताता हूँ अजीब बात क्या है, आखिर यह कॉलेज अजीब क्यों है। तो आप सभी को पता है कि जो अभी कोरोना काल में रिसेंटली सारे ऑफिस, कॉलेज और सारी संस्थाएं बंद थी, तो सारी संस्थाएं बंद होने के बावजूद कॉलेज के स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो 7,500 रुपये, क्योंकि वो फीस पे करते हैं, ठीक है। तो जो मेरे दोस्तों ने बताया है कि उन्हें 7,500 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है। इस साल नेहरू डिग्री कॉलेज के जितने भी बच्चों का जो स्कॉलरशिप आया है वो ओनली 5,200, मतलब 5,200 रुपये आया। तो हुआ ना बच्चों के साथ खिलवाड़ उनके स्कॉलरशिप के साथ। इतना ही नहीं, एक लास्ट ईयर का स्टूडेंट है जो जिसका नाम है मोहम्मद सैद अख्तर, सारे बच्चों को कोरोना काल में प्रमोशन मिला और सारे बच्चे पास आउट हुए, फाइनल एग्ज़ाम फाइनल ईयर कंप्लीट किए, लेकिन एक अकेला बंदा जो फाइनल ईयर में फेल हो गया। तो हुआ ना खिलवाड़ उस बच्चे के साथ, सैद अख्तर के साथ। तो दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसा कॉलेज की दृष्टि को प्राध्यापक को करना चाहिए, इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद क्या स्कॉलरशिप के साथ खिलवाड़ करना चाहिए या उस बच्चे के साथ करना चाहिए। तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अपनी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड